यस टेंथ क्लास, देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ। देखिए क्या कहता है इन क्वेश्चन नंबर 3। इफ ई इज अ पॉइंट ऑन सी ए, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑन सी ए, ऑन द इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी सच दैट बी इज परपेंडिकुलर टू सी ए। देखो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ध्यान रखना आपको इस बात का। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, और आपको पूछा जा सकता है प्रूव दैट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4BE square। ओके बेटा, तो देखो अगर आप इस बात को समझते हो बीई इज परपेंडिकुलर टू ए सी, इस बात का कहने का कुछ मतलब है कि अगर दिस इज परपेंडिकुलर टू ए सी देन इस सामने वाली साइड को इट विल डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स बिकॉज दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो ऑल द साइड्स, लेट ऑल द साइड्स बी ए, सारी साइड्स को ए ले लिया और आगे की जो साइड है वो डिवाइड हो गई बिकॉज ऑफ दिस परपेंडिकुलर बी ई एंड इट हैज कम टू बी ए ई आ गया हमारा ए बाय टू एंड ई सी आ गया ए बाय टू। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपको करना क्या है, आपको अप्लाई करनी है पाइथागोरस थ्योरम। कहां पर? ट्राइंगल ए बी ई में, कौन सी ट्राइंगल में? ए बी ई में करनी है। सो देयर क्या करेंगे आप लोग, देखिए कैसे करेंगे अप्लाई, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, राइट बेटा, ये लगा दिया हमने एंड ए ई स्क्वायर ए बाय टू का स्क्वायर हो गया, बी ई स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे रख लीजिए एंड फ्रॉम हेयर वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ बी ई स्क्वायर, क्योंकि बी ई की बात की है यहाँ पे और यहाँ पे अगर ऐसे प्रूव करने के लिए आ जाता है तो आपको बी ई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ओके बेटा, सो we are getting a square minus a square by 4 and then we are getting 3 a square by 4 is equal to, अब देखिए a square की वैल्यू हमने निकाल ली है be की टर्म में 4be square by 3, इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। Now what we are going to prove or find the value, ab square plus bc square plus ca square, ये निकालना है। अब क्योंकि ये हमने सारे a लिए इसलिए 3a square आ गया, इस ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से रखने वाले हैं, हमने रख दिया, देखो ए स्क्वायर की बजाय रख दिया 4BE square by 3, 3 से 3 कट एंड वी आर गेटिंग 4BE square। सो इफ ही इज आस्किंग फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ओनली तो 4BE square आ गया एंड इफ ही इज आस्किंग यू टू प्रूव द रिजल्ट लाइक दैट सो हैंस प्रूव्ड हो गया। ओके बेटा, तो इसमें आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं है बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऑल द साइड्स आर ए ए बिकॉज दिस इज द परपेंडिकुलर, सो इट इज बाइसेक्टिंग द लाइन ए सी, सो वी आर गेटिंग ए ई इज इक्वल टू ए बाय टू एंड ई सी इज इक्वल टू ए बाय टू एंड देन अप्लाई पाइथागोरस ऑन ए बी ई, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एंड पुट इन द रिजल्ट विच इज टू बी प्रूव्ड। ओके बेटा, यस टेंथ क्लास, वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन, वेरी गुड एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4, इन द ट्राइंगल ए बी सी, ये हमारा ए बी सी ट्राइंगल है, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड डी ए बी पर है एंड ई ए सी पर है सच दैट बी सी ई डी इज अ ट्रेपीजियम, और ये बी सी ई डी इज अ ट्रेपीजियम। देखो सो वॉट ही इज सेइंग, डी ई बाय बी सी इज 3/5, इसका हमें फायदा उठाना है। सो ही इज आस्किंग अस टू फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन ए डी ई, ये छोटी सी ट्राइंगल और इस ट्रेपीजियम की रेशियो निकालनी है, इस छोटी ट्राइंगल और इस ट्रेपीजियम की रेशियो हमें निकालनी है। ओके बेटा, तो देखिए क्या करते हैं हम, पहली बात ध्यान से देखिए, बिकॉज दिस इज अ ट्रेपीजियम सो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन सो दिस स्मॉल ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ए बी सी, और इसी चीज का फायदा उठाएंगे, अपनी थ्योरम लगा देंगे कि एरिया ऑफ व्हेन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर एरियाज रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू द रेशियो स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर साइड्स। ओके बेटा, सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए डी ई बाय ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू डी ई बाय बी सी होल स्क्वायर, अगर ये रिजल्ट नहीं आता तो मुश्किल बात है ना। तो आपको ये रिजल्ट भी सारे ध्यान से याद करके जाने हैं कि वेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर एरियाज रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स। ओके बेटा, सो ये रेशियो हमें गिवन है 3/5, उसका स्क्वायर कर दिया 9/25। अब देखिए और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात,
ये एबीसी में से, इस एबीसी में से अगर हम इसको हटा दें तो ट्रेपीजियम बच जाएगा, वही काम हमने किया। एडीई तो ऐसे ही लिख लिया, एबीसी के हमने लिया एरिया एंड माइनस कर दिया एडीई। अब एबीसी का एरिया आया था 25 में से एडीई का 9 माइनस कर दिया, सो वी आर गेटिंग 9/16। कितना आसान है अगर इफ द अंडरस्टैंडिंग इज देयर, लेकिन अगर आप घूम जाते हो तो मुश्किल है। देखो कुछ नहीं करना है आपको, इस बड़ी ट्रायंगल में से इस छोटी ट्रायंगल को हटा देना एंड यू आर गोइंग टू गेट द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम बी सी डी ई। ओके बेटा, तो आपको यहाँ पे वही बात लिखनी है। और हम आ जाते हैं अपने रिजल्ट पर जो पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम बी सी ई डी। हमें क्या निकालना था? बी सी ई डी, वो हमने निकाल दिया एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी 9/16। यही हमारा आंसर है। ओके बेटा, यस 10th क्लास, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। एंड व्हाट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट ट्रायंगल एबीसी, दिस इज अ ट्रायंगल एबीसी व्हिच इज राइट एंगल्ड एट ए। कहां पर है ये राइट एंगल्ड एट ए एंड एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। दिस एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। इफ एबी, दिस एबी इज सी एंड एसी इज बी, देन एडी इज इक्वल टू व्हाट? हमें एडी निकालना है। तो बेटा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बस आपको इस ट्रायंगल के एरियाज को इक्वेट करके दो तरीके से हम इस एरिया को निकाल सकते हैं। पहली बात, दिस इज राइट एंगल डेट ए, इसको बेस लेंगे, इसको परपेंडिकुलर लेंगे। दूसरी बात, अगेन वन हाइट और मोर इज गिवन टू अस, दैट इज ए डी, इसको बेस ले लीजिए और इसको परपेंडिकुलर ले लीजिए। तो दो तरीके से एरियाज को निकालेंगे एंड वी आर गोइंग टू इक्वेट दीज एरियाज एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ए डी। देखिए, एरिया ऑफ ए बी सी व्हेन इट इज राइट एंगल डेट ए, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस क्या है? ए बी इज द बेस जिसकी वैल्यू हमने सी रख दी है एंड ए सी इज द हाइट जिसकी वैल्यू हमने बी रख दी है। तो इस तरीके से वी आर गोइंग टू गेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी हाफ बी इंटू सी। ओके बेटा, नाउ अगेन फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इन द अनदर वे। कैसे? ए डी हमारे को हाइट दी है, बी सी को हम बेस ले लेंगे, सो हाफ बी सी इंटू ए डी। अगेन देखिए, बी सी को फाइंड आउट करना है आपको, यहां पर सिखा रही हूँ हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट बी सी। बी सी को हम करेंगे पाइथागोरस अप्लाई करके। दिस बी सी दिस इज द हाइपोटेन्यूस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस, सो वी आर गोइंग टू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम ऑन द ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी विच इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। बी सी स्केयर इज इक्वल टू ए सी स्केयर प्लस ए डी स्केयर एंड ए सी इज गिवन टू बी बी स्केयर, ए सी स्केयर विल बी बी स्केयर एंड ए बी इज गिवन टू अस सी, सो इट बिकम्स ए सी स्केयर। सो बी सी इज गोइंग टू बिकम बी स्केयर प्लस सी स्केयर अंडर द रूट। बी सी की वैल्यू हमने निकाल ली है, यहाँ बी सी की वैल्यू रख दीजिए, बी स्केयर प्लस सी स्केयर इंटू ए डी हमें निकालना है। देखिए, ये ए डी निकालना है ना, तो क्या करेंगे, ए डी को ऐसे ही रख लेंगे। नाउ वी हैव गॉट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इन टू डिफरेंट वेज, वन इज दिस एंड अनदर इज दिस, एंड नाउ वी आर गोइंग टू इक्वेट 1 = 2 बिकॉज बोथ आर द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। ओके बेटा, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। फिर क्या करेंगे हम, हाफ से हाफ कट हो जाएगा, स्केयरिंग बोथ साइड्स, बी सी स्केयर will be equal to, yes, bc square will be equal to, ये देखिए ये कट कर दिया, उसके बाद we are going to square, bc square will be equal to b square plus c square and then क्या करने वाले हैं, we are going to find out the ad, yes ad निकालेंगे, यहाँ पे ए डी स्केयर भी हो जाएगा फिर, राइट बेटा, दिस विल बिकम द स्केयर। सो अभी और भी जरूरत है, अब यहाँ ए डी स्केयर को इधर रख लीजिए और सारे को इसके नीचे भेज दीजिए एंड देन वी आर गोइंग टू गेट ए डी अंडर द रूट बी स्केयर सी स्केयर, बी स्केयर प्लस सी स्केयर। सो व्हाट विल बी द आंसर? यस बेटा, आंसर विल बी बी सी बाय अंडर द रूट बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ये आंसर आएगा। यहाँ पे स्केयर भी जरूर करना होगा बिकॉज वी आर स्केयरिंग बोथ द साइड्स,
यहाँ पे बी सी स्क्वायर एंड हाफ से हाफ कट हो गया था, सो इट हैज बिकम आफ्टर स्क्वायरिंग बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ये ए डी स्क्वायर हो गया। देन इस सारे को इसके नीचे लेके जाएंगे एंड देन वी विल हैव द स्क्वायर रूट ऑफ फुल राइट हैंड साइड एंड देन वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ ए डी, वो क्या आएगी, बी सी बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट। ओके बेटा, यस 10th क्लास, लेट अस सी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी, जनरल नॉलेज इज बीन चेक्ड इन दिस क्वेश्चन। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इन द ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज 6 रूट 3 एंड ए सी इज 12 एंड बी सी इज 6, तो सबसे बड़ी कौन सी है, ए सी है। ए सी क्या हो गया हमारा, अभी हम उसको कुछ भी नहीं कह सकते बिकॉज वी आर नॉट गिवन दैट दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, वी आर गोइंग टू प्रूव दैट इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो एंगल बी इज नॉट गिवन टू अस, सबसे बड़ा ए सी है, तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक द स्क्वायर ऑफ ऑल दीज साइड, ए बी स्क्वायर कीजिए 6 रूट 3 स्क्वायर, 6 6 या 36 इंटू 3 एंड वी आर गेटिंग 108, बी सी स्क्वायर करेंगे 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144, सबसे बड़ी साइड को साइड में लीजिए, बाकी दोनों के स्क्वायर का जोड़ कर दीजिए एंड वी आर गोइंग टू चेक वेदर इट इज गोइंग टू प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम और नॉट। ओके बेटा, ए सी स्क्वायर किया तो 144 आया था, ए बी स्क्वायर 108 आया था एंड बी सी स्क्वायर 36 आया था, इन दोनों को जोड़ा तो 144 आ गया। सो हमारे पास कंक्लूजन क्या आ रहा है, ए सी स्क्वायर क्या आ गया हमारा, दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर एंड वी आर गेटिंग 144, सो पाइथागोरस थ्योरम हैज प्रूव्ड। ओके बेटा, दिस लाइन इज डायरेक्टली प्रूविंग द पाइथागोरस थ्योरम, सो क्लियरली very clearly we can see that angle B is 90 degree। okay बेटा, जब भी आपको इस तरीके का question करने के लिए आएगा तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ी side का square कीजिए और जो दो छोटी sides हैं उनके अलग अलग square करके उनको add कर दीजिए और देखिए कि बड़ी side का square उन दोनों छोटी sides के square के सम के बराबर आता है या नहीं, अगर आ जाता है तो without the wastage of time you can say that this is proving पाइथागोरस थ्योरम। ओके बेटा, और पाइथागोरस थ्योरम प्रूव होते ही आपका जो एंगल बी है वो 90 डिग्री हो जाएगा, जो सबसे बड़ी साइड के फ्रंट में जो एंगल होगा वो, या अपोजिट में कह सकते हो आप, ये जो सामने मुझे दिखाई दे रहा है वो 90 डिग्री होगा। ओके बेटा, यस 10th क्लास, नाउ आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान से देखने का है, ध्यान से कीजिए और आ जाएगा आपको, आसान है। इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी इज गिवन टू बी अ क्वाड्रिलेटरल वेयर बी ए इज पैरेलल टू, दिस बी ए इज पैरेलल टू सी डी, इस बात का हम फायदा उठाने वाले हैं, दिस इज पैरेलल टू दिस, सो ए सी एंड बी डी मीट एट एक्स, ये दोनों मिल रहे हैं हमारे एक्स पर एंड सी एक्स 8 दिया है, सी एक्स हमारे को 8 दिया है, देखिए ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है फिगर में। ओके बेटा, एक्स से 10 लिख लिया हमने, 10 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लिया है एंड बी डी इज गिवन टू बी 27 सेंटीमीटर, और इन्हीं मेजरमेंट्स का हम फायदा उठाने वाले हैं और हमें निकालना है बी एक्स, ये बी एक्स निकालना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू प्रूव दैट ए एक्स बी इज सिमिलर टू सी एक्स डी, ए एक्स बी, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रही है दिस इज सिमिलर टू सी एक्स डी, ये ट्राइंगल एंड ये ट्राइंगल, ध्यान से देखिए, दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर बोथ द एंगल्स आर इक्वल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ओके एंड दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंगल क्राइटेरिया। ओके, उसके बाद सिमिलरिटी प्रूव होते ही हम रेशियो प्रोपोर्शनलिटी लगा देंगे, ध्यान से लगाइए, बी एक्स पीछे वाले उठा लीजिए, बी एक्स बाई एक्स डी इज इक्वल टू ए एक्स आगे वाले उठा लीजिए, ए एक्स बाय एक्स सी, अब ए एक्स हमें गिवन है, क्या गिवन है, ए एक्स 10 सेंटीमीटर, एक्स सी गिवन है 8 सेंटीमीटर, सो कट कर दीजिए एंड यू आर गेटिंग 5/4, क्या आया ये बी एक्स बाय एक्स डी आ गया, उसको उल्टा कर दीजिए, तो ये स्टेप्स लर्न करने के हैं कि व्हेन वी आर गेटिंग बी एक्स बाय एक्स डी यू हैव टू यस रिवर्स दैम। ओके बेटा, उनको उल्टा करना है, एक्स डी बाई बी एक्स विल बी इक्वल टू 4/5 एंड देन यू हैव टू एड वन
ऑन बोथ द साइड्स, फिर वन ऐड कर दीजिए एंड देन यू आर गेटिंग एक्स डी प्लस बी एक्स बाई बी एक्स एंड वेन यू आर एडिंग दिस यू आर गेटिंग 9/5. ओके नाउ सी एक्स डी एक्स डी प्लस बी एक्स बन जाता है बी डी और बी डी हमें गिवन है क्या 27 सेंटीमीटर. ओके बेटा बी डी बाय बी एक्स ऐसे ही रख लीजिए एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी 9/5. बी डी की वैल्यू रख दीजिए 27, सो बी एक्स को उधर ले जा करके मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन दिस इज कमिंग हेयर 27 × 5/9. बी एक्स को उधर ले गए एंड 9/5 को हम इधर लेके आ रहे हैं, सो वी आर गेटिंग 15 सेंटीमीटर. ओके बेटा सो इट वॉज नॉट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. अब आपको इसको ध्यान से समझना है. पहली बात आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, देन आपको इन इनकी रेशियो प्रोपोर्शनैलिटी लगानी है, रिवर्स करना है, वन ऐड करना है, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट बी एक्स. ओके बेटा यस 10th क्लास. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8 एंड व्हाट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट इन द गिवन फिगर डी ई इज पैरेलल टू ए सी. डी ई इज पैरेलल टू ए सी. ध्यान से देखते जाइए, फिगर्स को देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है. डी ई इज पैरेलल टू ए सी एंड डी सी इज पैरेलल टू ए पी. ध्यान से देखना है, दिस ट्राइंगल दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन और when you are taking now he is saying that prove that BE by EC is equal to BC by CP. तो आपको ध्यान से देखना है, सबसे पहले लेंगे हम ट्राइंगल BPA. ये ट्राइंगल लीजिए, ध्यान से देखिए and DC is parallel to this, right बेटा. DC is parallel to this and triangle is this. This triangle, this line is parallel to this, again this triangle, this line is parallel to this. So we are going to apply BPT on this triangle BPA. BC by CP is equal to BD by DA. Right beta? ये लगा दिया हमने BPT, basic proportionality theorem. Now in this small triangle BCA, ध्यान से देखिए, this triangle BCA, what you are seeing? Yes, what is visible to you? ED is parallel to AC. ED is parallel to AC. Again, go and apply BPT on this small triangle. BE by EC is equal to BD by DA. Now see, in both the cases, BD by AD is there and BD by AD is there. So from 1 and 2, we can reach on the result. BC by CP is equal to BE by EC. एंड देखिए BE by EC, BC by CP, यही हमें प्रूव करना था. सो कुछ भी नहीं था, पहले ध्यान से आपको एक ट्राइंगल BPA उठानी है एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस एंड अगेन इन द स्मॉल ट्राइंगल BCA, D इज पैरेलल टू दिस एंड दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस. दोनों में ये लाइन आ रही है, इसको हटा दीजिए और फिर हमारा रिजल्ट दिस विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस वॉज टू बी प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड. ओके बेटा सो नथिंग वॉज देयर, ओनली बीपीटी ऑन टू ट्राइंगल्स BPA एंड BCA. ध्यान से आपको देखनी है दोनों ट्राइंगल, कंफ्यूज नहीं होना है. ओके बेटा